नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने। मैंने आटा वाटा गूंद लिया है, डोकू सो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। और इस टाइम तक हमने एक बार दूध वाली चाय, एक बार लेमन टी पी ली है। काफ़ी फिर भी आ रही है। लॉकडाउन में कितना मुश्किल होता है ना शूट करना। मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठे हो तो ज़्यादा तैयार भी नहीं हो रहे हो, यही सब शूट करते रहो, खाना पीना क्या क्या। और सब्जी है रात वाली, मटर की जो सब्जी बनी थी और भरवा जो बनाया था करेले का, वो भी है, तो वही सब चलेगा। रोटी बस मैं बना ले रही और मैं पहले ऐसे तोड़ के रख लेती, मुझे बीच बीच में तोड़ना ना पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। गुरु के पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ तो कर रहे हैं। विशाल अभी गया उनके पास बैठने, बस खाना बना लेंगे उसके बाद खा लेंगे। डुगू में भी तब तक जग जाए, नहीं जगेगा तो फिर नहा वहाँ लेना है। बाकी ये सोच रही हूँ आप लोग मैं फिर क्या करने जा रही हूँ। सो दिस आर द बॉक्सेस, मेरे पास ऐसे कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ के बॉक्सेस थे। और मैं जा रही हूँ इससे सामने का जो कवर्ड मतलब अलमीरा है उसको थोड़ा सा सही करने। दिन आर वेरी चीप एंड हैंडी ऑर्गेनाइजर। बाबू नहा चुका है, देखते हैं कितना सही हो पाता है। मैं ऐसे करती हूँ, टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कभी फेंक दो या क्या करो, और हम बदलते रहते हैं रूम इधर। कोशिश किया है एटलीस्ट, पहले बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो अब थोड़ा बहुत सही है। देख सकते हैं मैंने डब्बों को यूज़ किया है ऐसे, अभी मतलब परफेक्टली नहीं हुआ है, वरना मैं डब्बों को कुछ लगा वगा के कर देती हूँ इसमें। मतलब मैंने दवा वगैरह रख दिया और जो लंबा लंबा सामान था ये सब जो नीचे ही है, और कुछ जो एक्स्ट्रा सामान था फालतू का वो मैंने इस डब्बे में डाल दिया है। और ये दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, डुबू की भी हो गई थी, डुबू का सामान है, नीचे का भी फिर वैसे ही रह गई, नीचे का भी कुछ नहीं हुआ। और ये बेड को भी जो है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, वो मतलब वही बोल रहे थे कि मुझे बेड को सही करना है। मैंने बोला नहीं, थोड़ी देर के लिए आप डुबू को ले जाओ, क्योंकि मैं नीचे सामान रखती और वो सारा सामान आके पकड़ते रहता, तो उसी को हटाते रहो। इसलिए तुम्हारे बाल कब कटेंगे? हाँ अच्छा, नोचना नहीं है, काटना है। अभी कटेंगे तुम्हारे मूरन में सारे बाल, फिर से तुम बिना बालों वाले डुगू हो जाओगे, तब में जाएगा है ना। बीत गए,
बैठ गए हम। अरे 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 क्या हुआ, भूखू लग गया। चलो चलो लेके आते खाना वाना, लेके आते तुम्हारा खाना, लेके आया जाए। डुबू, ए डुबू, ओए ओए, क्या कर रहे हो यहाँ, बताओ क्या कर रहे हो, खोल दे। आजा इधर, आजा इधर, आजा खोल से इधर। अब कहाँ जाना है ये बताओ, इधर इधर कहाँ जाना है, खुल तो गया। हाँ अब बाहर का सामान पकड़ोगे तुम, चलो चलो अंदर चलो। अभी ना मतलब दिन में सुबह जैसे खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो दिन में मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। जैसे चीला बनाया जाता था, मैगी रहती थी, मैगी चावल या मैगी बना लिया। और अभी मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि क्या है कुछ झटपट नाश्ता, और मेरे पास 3 रोटी पड़ी थी, तो मैंने सोचा उसका कुछ देख लो। बट इतने सारे वीडियोस कौन देखेगा, साथ मतलब रोटी का पोहा बना के रखा था, रोटी की चाउमीन पता नहीं क्या क्या, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने तरफ से ट्राई करूँ। मैंने हस्बैंड को बोला था अभी कि जाके कुछ कुछ ले आओ, जो पोहा या सॉस वगैरह, बोल रहे नहीं मैं तो जा ही नहीं रहा, नीचे नीचे ही दुकान है, बाहर जानी है बस। तो अभी मैं रोटी, 3 रोटी है, मतलब हम 3 लोग हैं, 3 ही रोटी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का। और इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने लिया है। सूजी लिया था, सूजी था मेरे पास, तो सूजी को या तो आप उसमें गर्म पानी डाल दें, या फिर टाइम है तो सूजी को भिगोने के लिए रख देंगे। मैंने इसको पानी डाल के हल्का सा गर्म कर लिया, फूल गया था लेकिन थोड़ा सा और वो करने के लिए, तो इसमें मैं अभी और पानी मिलाऊंगी। टमाटर हो गए, प्याज ले लिया, और ये हो हरी मिर्च थोड़ी सी, बाकी आपके पास जो भी सब्जी अगर हो तो सब्जी ले सकते हैं। और मसाले में भी कोई वो नहीं है, मेरे पास ज़्यादा मसाला है नहीं, तो मैं भुना हुआ जीरा लूँगी, हल्दी, नमक, थोड़ा सा सब्जी मसाला और लाल मिर्च, ये क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा नहीं है। और सब्जी में जैसे गाजर, कैप्सिकम ये सब हो तो सब यूज कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर। और इसमें मिला के मतलब चीला की तरह मैं बना के और फिर जो है रोटी ऊपर से रखूँगी, बताती हूँ कैसे। टोमेटो सॉस नहीं मिला, इसलिए जैम से काम चला रही हूँ। और चिली सॉस, चिली सॉस के साथ ये सब नहीं अच्छा लगता, बट मीठा सॉस कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। आसपास में 2 दुकान है, और मेरे पतिदेव जी की कृपा से एक दुकान बड़ा सा था वो वहाँ गए नहीं, और छोटे छोटे दुकान पे गए वहाँ पे मिलता ही नहीं। पता नहीं लोग टोमेटो सॉस कैसे नहीं रख सकते यार, सब खाते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। बहुत भूख लग रही है मुझे।